हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सी एस दस मी डॉक्टर सिद्धार्थ मिशन मसूरी पॉलिटी सीरीज एंड इन दिस मिशन मसूरी पॉलिटी सीरीज अभी तक हमने 12 ओके जजमेंट्स कर लिए दिस इज द 13th जजमेंट ऑल ऑफ जजमेंट्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम वेरी सिंपल रीजन बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द हेडलाइनर मैं हमेशा यही बात बोलता हूं इट इज देडलाइन है तो आमतौर पे न्यूज़पेपर्स खोल के देखोगे तो तुमको नोटिस होगा सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट बार बार हेडलाइंस में आ रही है एंड वाई नॉट इट इज दाइनल ऑथोरिटी इट इज अल इंटरप्र कस्टोडियन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एबसोल्यूटली क्लियर हो जाए लेकिन प्रॉब्लम है प्रॉब्लम यह है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ द एपिक्स कोर्ट इसमें बहुत ज्यादा लीगल टेक्निकल डिटेल्स होती है बहुत सारे कॉम्प्लीकेटेड डॉक्टराइंस यूज किए जाते हैं और एक नॉन लॉयर बैकग्राउंड या फिर नॉन लॉ स्टूडेंट के लिए ऑलमोस्ट ये प्रैक्टिकली इंपॉसिबल होता है ह्यूज ह्यूज नंबर ऑफ पेजेस 500-600 पेजेस एवरेज पे होता है इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर एनी वन टू फर्स्ट रीड ऑल दीज देन कंप्राइज थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि तुम्हारी इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है सो द यूपीएससी

तुम लबासना पहुंचो लबासना बोल, बोलते हैं कि मत बोला करो तो पूरा नाम बोल देते हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल करेंगे दुनिया में मुझे सेड लाइव नाम से जाना जाता है और जब भी ये मेरा एक्चुअली रेफरल कोड है जब भी तुम कोई भी प्लस क्लास लेते हो जब भी तुम कोई स्पेशल क्लास अटेंड करते हो मेक श्योर दैट यू यूज दिस कोई भी कॉम्बैट हो प्लस सब्सक्रिप्शन हो ऑलवेज यूज इट यूल मसूरी स्टेप क्लोजर तो हम लोग एक दूसरे से मुखातिब है हम लोग एक दूसरे को मिल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ अन अकेडमी विच इज इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और भगवान ने चाह एज आई ऑलवेज से तो वन डे इट विल बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और ऐसा ऐसा हुआ क्यों ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज वी प्रोवाइड क्वालिटी सो वी आर गिविंग डेली लाइव क्लासेस वेन यू टेक प्लस सब्सक्रिप्शन यहां पर आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं उसी टाइम डाउट्स पूछ सकते हो उसी टाइम हो, पोल्स होते हैं तुम्हें तो मालूम पड़ेगा कि तुमने कितनी जल्दी रिएक्ट किया कितना तुम्हारा सब्जेक्ट पर ग्रास पोन सोन सो so so ये एक अलग ही इकोसिस्टम है यू विद डायमेंड सो प्लीज एंजॉय दिस पार्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं हर कोर्स के बारे में कई बार सोचा जाता है विचार किया जाता है कि कौन सा टॉपिक पहले होना चाहिए कौन सा टॉपिक बाद में होना चाहिए प्रिपरेशन नहीं होती सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाया जाता है एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन होती है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस ली जाती है जब तक तुम इवेल्युएशन नहीं करोगे जब तक एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन नहीं करोगे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला ऑल्सो एक बार सब्सक्रिप्शन लोगे तुम्हें सारे लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज एक साथ मिल जाएंगे तो फायदा ये होगा

या फिर ये लिंक है एंड यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ माई टेलीग्राम चैनल तो कुछ भी नया जजमेंट्स आती है कोई भी नया पार्लियामेंट्री प्रोसेस होता है कोई कंट्रोवर्सी होती है कोई करंट अफेयर होता है कोई एमसीक्यू मुझे शेयर करना होता है कोई मेरी क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी होती है कोई गुड आउट सेशन शेयर करना होता है मैं सब कुछ इसी पर कर देता हूँ सो इट विल बी अ ग्रेट एडवांटेज तो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आर प्रेजेंट ऑन वन प्लेटफॉर्म और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं है माई फ्रेंड सारे सब्जेक्ट पॉलिटी से लेकर हिस्ट्री करंट अफेयर जोग्राफी टिल इंटरव्यू आपको साथ देने के लिए रेडी है और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप पढ़ोगे ना तो आपको एक अलग ही इकोसिस्टम दिखाई देगा फिर तो ऐसे रियलाइज करोगे ये जो कमेंट्स आप पढ़ रहे हो ये एक दिल से निकले हुए कमेंट्स है इससे पता चलता है कि हमारे और हमारे लर्नर्स के बीच में एक रिश्ता है जहां पर वी विश द बेस्ट फॉर देम वी वर्क हार्ड फॉर देम और इन रिटर्न वी गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट सो मेक श्योर ऐसे मुझे हजारों लाखों कमेंट्स मिले हुए हैं आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये एक अलग ही इंटरेस्टिंग कॉम्पोनेंट है सो so, सबसे इंपॉर्टेंट है रीजनेबल है ये 2021-22 में जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो इस एग्जाम को दे रहे हैं प्लीज टेक अ ट्वेल्थ मंथ कोर्स और ट्वेंटी फोर मंथ कोर्स और अगर तुम्हारे पास दो साल से ज्यादा है तो भैया तुम बहुत ही किस्मत वाले हो टेक अ थर्टी सिक्स मंथ कोर्स उसमें तुम प्लस क्लासेस भी ले सकते हो और आइकॉनिक भी ले सकते हो आइकॉनिक में तुम्हें एक पर्सनल कोच भी मिल जाएगा ओके okay? और डेली मेन्स क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस मिलेगा स्टडी प्लानर मिलेगा और पर्सनलाइज फीडबैक मिलेगा और चाहे जो मर्जी को ले लो लेकिन यूज द कोर्स सेट लाइफ तुम्हें इमीजिएटली टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा एस आई डी एल आई वीई ये मेरा रेफरल कोड है मेक श्योर दैट यू यूज इट एनी टाइम दैट यू आर टेकिंग दीज सब्सक्रिप्शन ऑल्सो देर आर कॉम्बिनेशन कोर्सेस लाइक ऑप्शनल एंड जी एस कोर्सेस उसमें तुम्हें और इकोनॉमिकल पड़ेगा यू कैन चूज देम दल्सो फॉर ट्वेंटी फोर मंथ और मंथ मंथ और कोर्स वेस यूज द कोड लाइफ एंड आई बी वेरी 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 हैप्पी टू टीच यू सो आज हम कोर्स कर रहे हैं वॉट इज कॉल्ड एज चीफ जस्टिस एन रेके जस्टिस एच आर खन्ना विच इजटिस हंसराज खन्ना बड़ा जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ जस्टिस भगवती ये बड़ा ही बड़ा ही कंट्रोवर्शियल केस हुआ ऐसा क्यों हुआ ओके okay. तो सबसे पहले हम एडीएम डी एम जबलपुर एस एस शुक्ला केस के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड पता करते तब इस बात की पॉइंट समझ में आएगा राइट right. सो so, हुआ जून नाइनटीन सेवेंटी फाइव पर इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई अंडर आर्टिकल 352 और अगर तुम्हें तो ये थोड़ा सा न्यूज़पेपर हेडिंग दिख रहा है सो इट वाज इम्पोज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेज ने ऑन द ग्राउंडल डिस्टर्बेंस प्रेसिडेंट फकर अली अहमद साहब को बोला एडवाइस किया कि आप नेशनल इमरजेंसी लगा दीजिए और नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई एक्ट लगा दिए गए जिनमें से बड़ा प्रोमिनेंट था मीसा मीसा वॉज में चारों तरफ प्रिवेंटिव अरेस्ट हुए गए फंडामेंटल राइट टेकन अवे प्रिवेंटिव अरेस्ट हुआ लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया गया पूरा ऑपोजिशन जेल में डाला गया एटसेट्रा एटसेट्राइट इट नहीं होगा तो कभी इंटरनल इमरजेंसी 21 मार्ची 1977 के बारे में पढ़िए कहा जाता है इट इज अ डार्केस्ट आवर ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी और वाई नॉट ओके तो बहुत क्रिटिसिज्म के बावजूद ये होता गया नाउ द सिचुएशन चेंज ओके फंडामेंटल राइट्स शुरू शुरू में तो वायोलेट हो गए या फिर सस्पेंड कर दिए गए एब्सोल्यूटली एक्सेप्टेबल लेकिन धीरे 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 लोगों में बेचैनी बढ़ने लग गई दे स्टार्टेड डिमांडिंग कि इनके फंडामेंटल राइट्स रिस्टोर किए जाए सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेट वॉज दैट दे स्टार्टेड डिमांडिंग कि फंडामेंटल राइट्स इस तरह से रिस्टोर किए जाए और रिस्टोरेशन के लिए अलग अलग चीज़ें अलग अलग मुहिम उठाई गई लेकिन एडीएम जबलपुर केस एक ऐसा केस था जिस पर फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए जब जो पिटिशनर थे वो सुप्रीम कोर्ट गए तो उनको खास सक्सेस नहीं मिली काफी निराशा हुई तो निराशा हुई ऐसा क्यों हुआ ट्राई एंड अंडरस्टैंड यू विल रियली एंजॉय दिस ओके सो लेट्स गो बैक टू दिसोरी तो हुआ क्या कि फंडामेंटल राइट्स जब सस्पेंड कर दिए गए थे बिकॉज ऑफ अ प्रेजिडेंशियल ऑर्डर तो बहुत सारे लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उनको अरेस्ट कर लिया गया नाउ दीज पीपल जिनको आज के क्लास के लिए हम लोग डिटेनीज़ वर्ड यूज करेंगे सो द पॉइंट वॉज दैट जो उन डिटेनीस को जेल में डाला गया और प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया ये लोग हाई कोर्ट में आर्ग्यू दे दे वेंट टू द हाई कोर्ट द कोर्टिशन इन द हाई कोर्ट द हाई कोर्ट देम रिलीफ एंड द हाई कोर्ट यूजिंग कोर्टिंग ने इनको रिलीफ दिया एंड दे मेड श्योर कि ये लोग रिलीज हो जाए ठीक तो केस खत्म हो गया नहीं बेटा केस नहीं खत्म हुआ द स्टोरी वेंट ऑपोजिट द एडीएम जबलपुर

That the okay, जो, जो जो जेल में गए हुए थे उन्होंने बोला कि आर्टिकल थ्री फिफ्टी नाइन सब क्लॉस वन जिसके तहत प्रेजिडेंट साहब ने एक ऑर्डर तो दे दिया है एक ऑर्डर तो दे दिया है दैट Uh, कोई भी फंडामेंटल राइट्स के वजह से या फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंड होने के वजह से भी दे नॉट अप्रोच द राइट टू नॉट द राइट टू अप्रोच द कोर्ट तो आर्टिकल थर्टी टू ऑलरेडी बीन टेकन अवे ओके सो आई डोंट थिंक दैट एनी बडी कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दैट मैटर द हाई कोर्ट बट जिन लोगों को अरेस्ट किया गया उन्होंने एक अलग ही बात बोली उन्होंने बोला ये बात ठीक नहीं है दैट Even though the presidential order takes away the right to approach the court when the fundamental rights are violated, it will not affect the common law. It will not affect the common law of India. Up emergency provisions mein common law of India. Ja sakte. Also, statutory rights jo personal liberty ke hai, that allows me to go to Article 226 of the Indian Constitution to approach the High Court. Now, this is a very important difference. There are two articles that you have to be paying attention. One is article 32, one is article 226. Article 32 allows you to approach the Supreme Court for violation, abridgment, or contravention of fundamental rights. Article 226 allows you to approach the High Court for Violation, abridgment, and contravention of fundamental rights. But High Court is the Article 226 itself is not a fundamental right. इज अ कॉमन लॉ इट इज अटैच्यूटरी राइट जबकि आर्टिकल थर्टी टू इज पार्ट ऑफ पार्ट थ्री कॉन्स्टिट्यूशन इट इज अ फंडामेंटल राइट तो क्या सस्पेंड हुआ है वो ये बात बोल रहे हैं कि ठीक है आपने फंडामेंटल राइट सस्टेंड कर दी है डॉट मीन मैं हाईकोर्ट नहीं जा सकता आई होप यू है डिफरेंस सो द पॉइंट वॉज वेरी क्लियरली मैं फोर द प्रेजिडेंशियल ऑर्डर टू द एक्सटेंड ऑफ फंडामेंटल राइट उसी के साथ साथ ये बात बोली गई आप बोलते हैं कि आर्टिकल ट्वेंटी वन सस्पेंड हो गया न मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनो आर्टिकल ट्वेंटी वन सस्पेंड हो गया है या हो गया था उस इमरजेंसी में तो रिस्पोंडेंस का कहना यह था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि चांस अगर आर्टिकल ट्वेंटी वन ना होता तो क्या इसका मतलब यह है कि लाइफ और पर्सनल लिबर्टी कहीं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रयोग है ही नहीं मतलब आप एक आर्टिकल ही एक सिर्फ आर्टिकल ट्वेंटी वन के तहत ही इंडिया में लिबर्टी है और कहीं पर इस तरह की राइट ऑफ लाइफ नहीं है क्या

वर्ड लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ना लिखू ड मीन हम बेसिक जस्टिस तो स्टेट बोल रहा है कि आर्टिकल ट्वेंटी हम ये कह रहे कि आर्टिकल 21 हो जाने तो डॉट मीन इसका मतलब है कि पूरा न्याय सिस्टम ही खत्म हो गया आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्टेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेट वॉज दिस बट द प्रॉब वॉज दिस जब स्टेट को बुलाया गया ओके okay, जब स्टेट को बुलाया गया बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में जब आर्ग्यूमेंट होती है तो दोनों साइड से होगी किसी भी कोर्ट में होगी सो so, उस टाइम के दर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया दे उन्होंने कोर्ट में ओपनली बोला क्या बोला ओपनली बोला दैट द गवर्नमेंट ऑर्डर कैन नॉट बी चैलेंज ड्यूरिंग इमरजेंसी तो ये उसी टाइम के न्यूज पेपर की पार्ट मैंने तुम्हें बताया ओके दैट अंडर एनी सर्कमस्टांसिस इमरजेंसी प्रोविजन इसलिए बनाए गए हैं ताकि गवर्नमेंट को स्वीपिंग हैंड मिले ओके okay? आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्डर को चैलेंज ही नहीं कर सकते अगर चैलेंज कर सकते तो फिर इमरजेंसी किस बात की सो दिस वॉज अ न्यू साइड सो स्टेट बिकेम टू ऑफेंसिव एन सेट ये क्या बात हुई इमरजेंसी प्रोविजन दिए ही इसलिए गए हैं ताकि हमें किसी भी तरीके से किसी भी सिचुएशन में हमें बिल्कुल रोका ना जाए हम जो करना चाहते हैं करें ये अपने आप में बाद में एक बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टोरी बनी थी जब अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने ओपन कोर्ट में बोला था द स्टेट कैन टेक अवे इवन द राइट टू लाइफ दिस अ वेरी वेरी बिग डे तो दोनों साइड की बात मैं समझा चुका हूं गवर्नमेंट की इंटरप्रिटेशन और स्टेट की इंटरप्रिटेशन थी दैट अंडर नो सर्कमस्टांसेस यू कैन टेक यू कैन अस ऑन द अदर हैंड जो सिटीजन जो शिवकांत शुक्ला जी ने एस एस शुक्ला बोला जाता है जो उन्होंने और बाकी ने बोला ये क्या बात हुई? Just because आपने आर्टिकल सस्पेंड कर दिया कि पूरा लॉ सिस्टम ही खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं है एंड द कोर्ट पर बड़ी उम्मीद थी कि दिस इज तो कॉन्टेक्स ने बोला बोलाइट ऑफ द इंडिविजुअल कोर्ट हैल थ्री फिफ्टी नाइन सब क्लॉज वन Does it does not amount to absence of law and order as was argued in various high court petitions in this respect? State ne falls ये bhi bola that emergency powers laid down in the constitution were drafted so that the security of the country will take precedence over everything else. तो emergency का मतलब ही ये है state ने बोला कि भाई state को सब कुछ allow होना चाहिए क्योंकि मुझे India को protect करना है. That is the reason Part 18 ना तो constitution लिखा गया था. तो ये सब बाकी सारी चीजें बाद में पहले हमको इमरजेंसी प्रोविजन में अनलिमिटेड पावर्स होनी चाहिए बड़ी उम्मीद थी हमको बड़ी उम्मीद थी कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल स्टैंड ओकेजन एंड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो मेजोरिटी ऑफ द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इन दिस ऑर्डर दे सेड दैट दिस इज रॉन्ग इन अदर वर्ड्स कि आप सिटीजन को शिवकंत शुक्ला को You cannot get relief. In other words, fundamental rights violation was accepted. They said very clearly 21 तहत तुमको लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मिलती है तो वो ही आर्टिकल 21 अगर सस्पेंड हो गया है तो इट इज एब्सोल्यूटली नॉट पॉसिबल फॉर यू टू मेक अ रिट पिटिशन For taking your life and personal liberty, or for protecting your life and personal liberty. What? Yes. So एक बड़ा ही khatarnak खतरनाक लाइन बोल दी गई article 21 ko agar को अगर सस्पेंड कर दिया गया तो अगर मोमबत्ती नहीं है तो फिर रोशनी hogi से होगी hope I am trying to explain it to you in a simple way। कि जब Article ट्वेंटी वन ही नहीं है तो वो जो कैंडल ही नहीं है तो लाइट कहां से होगी तो आर्टिकल ट्वेंटी वन ही नहीं है तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी

जिसके तहत प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अंडर 27 1975 जिसकी जून से ही कर देते rights, तो जो फंडामेंटल राइट उसी कॉन्स्टिट्यूशन से निकल रहा है वो ऑटोमेटिकली एक्सटिंग्विश हो जाते हैं दिस वॉज शॉकिंग इसका मतलब यह है कि जस्ट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया गया है या फिर फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया गया है अब हमें कोई बचा नहीं सकता बहुत सारे जोक्स बने okay, इससे रिलेटेड वो जोक्स मैं तुम्हें में तुम्हें बाद में बताऊंगा पहले दिल तोड़ने वाली ये बात के बाद एक जज वन जज जस्टिस हंसराज खन्ना वेरी फेमसली द मेजोरिटी उन्होंने इसको एब्सोल्यूटली डिसग्री किया उन्होंने बोला ये एब्सोल्यूटली गलत है दैट आर्टिकल ट्वेंटी वन को आप सस्पेंड कर दोगे तो तो फिर कुछ बचा ही नहीं Absolutely. अगर आपने एक आर्टिकल ट्वेंटी कहानी खत्म फिर तो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू ही नहीं है सो so, अगर इस सिचुएशन में बी नो रेमेडी अगेंस्ट्रीवेशन ऑफ पर्सन लाइफ और लिबर्टी तो बहुत ही अच्छा बोला जाता है कोर्ट्स में लीगल लैंग्वेज में बोला है इफ देर इज प्रॉब्लम देर इज रेमेडी इन लॉ ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक डॉक्ट्राइन है, है जिसको फॉलो करना पड़ता है और यहां पर एक अजीब स्थिति हो जाएगी अगर आर्टिकल 21 सस्पेंड हो गया और पुलिस ने उठाकर किसी को इीगली अरेस्ट कर लिया तो इन सचुएशन वेरी इंपॉर्टेंट जस्टिस खन्ना को याद रखा जाए विदाउट सच सेंटिटी ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ लॉलेस एंड वन गवर्न बाई द लॉस वु जजमेंट थी बिकॉज दिस टुकट

ADM Jabalpur case, that is why was severely criticised. So, Cavel Justice Hansraj Khanna was the one who stood up to emergency and the Prime Minister herself. Both brave, both judiciary. May this, these are the kind of brave judges, whose say India, India is. So, Justice Hansraj Khanna was the one who was the only one who dissented, who went against the majority and said that I don't agree with this part. क्या फंडामेंटल राइट इमरजेंसी प्रोविजन के अंडर लेकर जा सकते हो सो दिचुएशन हाउ एवर वॉज वेरी वेरी सैड और दिस इज दैट इज वाई कॉल्ड एस द आवर ऑफ इंडियन डारुडिशरी टाइम पर जब हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जरूरत थी इस टाइम पर जब हमें ये था कि ये फंडामेंटल राइट को ना सस्पेंड किया जाए ओके okay, और इस तरह से लॉलेस सोसाइटी ना बनाई जाए तो ये जजमेंट हमारे खिलाफ गई एंड दिस वॉज वेरी वेरी सैड डे फॉर समय आता है ना लॉन्ग लॉन्ग टाइम दुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट को रिवाइज किया है okay, things, now, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में इनफैक्ट इवन इन द आधार जजमेंट उन्होंने बोला दट इमरजेंसी एफ वर्ड एक्ट जो कि एडीएम जबलपुर केस में दिया गया था वो रॉन्ग है जो मजेदार बात थी कि जस्टिस डी वाई चंद्रचूड की स्टेटमेंट थी और उन्होंने ओवर रूल किया और उस जजमेंट को ओवर रूल किया जिसमें वन ऑफ द जजेस ऑफ द मेजोरिटी वॉज जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ जो उनके फादर थे डू यू रियलाइज इट इज अ वेरी वक्त बदल जाता है बट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट बेंच की अच्छी है, no court, course, ये है हमारी लार्ज हार्टेड सुप्रीम कोर्ट ओके अगर कुछ गलत हुआ उसको एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात होती है सो दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स जिसको हमें याद रखना चाहिए दट ऑल दो वेरी डार्क आवर बट दिस इज द्वाइंट तो जस्टिस वेंकट चल अपने खन्ना मेमोरियल लेक्चर जो ये जस्टिस खन्ना के लिए बनाया जाता है दैट मेजोरिटी कॉलिशन शुड बी कंफाइन टू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री मतलब हमने इस बात को भूला दिया जाए कि नहीं यार ऐसा एक दिन आया था वो बड़ा बुरा दिन था उस दिन इंडियन जुडिशरी डिड नॉट स्टैंड अप फॉर द फंडामेंटल राइट और उसके बाद और उससे पहले हमेशा से सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया बड़ा जीलसली प्रोटेक्ट किया एंड वी आर वेरी 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 प्राउड ऑफ आर जुडिशरी बट इन द केस पुट्ट स्वामी वॉज एस यूनियन ऑफ इंडिया केस एडीएम जबलपुर केस दिस वॉज द आधार केस अगर ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है तो एडीएम जबलपुर केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात बोली नो सिविलाइज स्टेट कैन कंटेपलेट एन एनक्रोचमेंट अपॉन लाइफ एंड पर्सन लिबर्टी विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ

वैसे ही जस्टिस को आप ना लिखो लिबर्टी को आप ना लिखो आप राइट ऑफ लाइफ ना लिखो डज नॉट मीन ये राइट्स है नहीं ये राइट्स हमेशा थे हमेशा होंगे चाहे आप उसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखो या ना लिखो इस तरह से पॉलिटी पढ़ी जाती है एक कॉम्प्लिकेटेड जजमेंट को इतना सिंप्लीफाई किया जा सकता है फॉर दैट आपके पास टाइम नहीं है तो आपके पास शायद वो लीगल नॉलेज भी नहीं है बट आई विल हेल्प यू आउट Okay, so use the code SIDLIVE and I will help you out in making your chances of reaching Missouri into a realistic chance rather than a gamble. This is how my learners are taking the advantage. You should take advantage of 24 karat preparation, rock solid preparation with me. In the words of Unacademy, let's crack it. Your wise gang of students take a wise decision, but take it now this say a competition crack a competition, use the code said and join me so signing off until next time god bless and thank you in the words of an academy let's crack it